लास्ट टाइम में हमने क्या पढ़ लिया, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाला ट्राइंगल से पढ़ा और उसका मैथमेटिकल एनालिसिस पढ़ा और उसका फाइनल फॉर्मूला निकाल लिया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड यानी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, थीटा ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच में एंगल है, और थीटा जब देखेंगे तो टेस टू की तरह रखेंगे दोनों वेक्टर्स की और स्मॉलर एंगल का थीटा करेंगे, थीटा स्मॉलर तो याद रखेंगे स्मॉलर और दूसरा बिगर बिगर नहीं रहना, एक्यूट और ऑप्टिक्स थीटा में याद नहीं रखना जैसे मैंने पहले ही बताया। अब दूसरी चीज मैंने कह सकता हूं, दूसरी चीज क्या मैंने कह सकता हूं, ट्रायंगल लॉ से तो हमने ऐड किया, अब एक और दोनों एक ही है लेकिन कहां पर क्या लगाना है, कहां कौन सा इजी लगेगा वो लगा देंगे। तो पहला लॉ कौन सा होगा, यानी एडिशन पढ़ रहे हैं हम, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स बाय पहला लॉ कौन से लॉ से पढ़ रहे हैं, पैरेललोग्राम। मेरी बातें आपको समझ में आ रही है, पैरेललोग्राम ठीक है, इस लॉ से हम पढ़ना है क्या एडिशन, वही ज्योमेट्री का प्रैक्टिकल पार्ट है, इसे तो हमें आने कर दिया जरूरत ही नहीं जाने। तो देखो इसमें क्या करेंगे, पैरेललोग्राम नाम है, अब मैं दिया हुआ आपको, ये मेरा नहीं है दिया हुआ, जो चीज दी होगी मैं समझाता चलूंगा, दिया हुआ ऐसे ये दिए उसने और ये दूसरा दिया उसने भी है ठीक है, ये भी है, तो ये कैसे रखना है आपको, यहाँ पैरेललोग्राम नॉर्म है, पैरेललोग्राम कैसे बनाएंगे, पैरेललोग्राम नॉर्म में क्या रखना है, पुट टेल्स ऑफ टू वेक्टर्स टुगेदर, दैट इज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर टुगेदर एंड कंप्लीट, ऐसे कहेंगे मैं समझाऊंगा अभी, कंप्लीट द पैरेललोग्राम, देन डायगोनल विल शो द रिजल्टेंट, यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंड पॉइंट, कौन आया रिजल्टेंट,
ट्राइंगल लॉ से भी आ गया, यानी इससे कंक्लूजन आया दैट ट्राइंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ आर सेम, एक ही चीज है, कोई अलग नहीं। मेरी बात यहां तक समझ में आ रही है? अब चीजों को आगे देखते हैं कि दो से ज्यादा वेक्टर्स का एडिशन करेंगे, दो से ज्यादा वेक्टर्स का एडिशन करेंगे तो क्या होगा? दोबारा तो हम क्या लेना चाह रहे हैं, क्या लगाना चाह रहे हैं? दो से ज्यादा वेक्टर्स के एडिशन को हम किससे करेंगे? ज्योमेट्री को, ज्योमेट्री में और मैथ्स के दोनों से करेंगे। ज्योमेट्री से करेंगे तो उसको कहेंगे पॉलीगन। बात समझ में आ गई? अब पॉलीगन लॉ की स्टडी करते हैं। कौन से लॉ की स्टडी करो? पॉलीगन लॉ। पॉलीगन ऑफ एडिशन, एडिशन का मतलब वेक्टर एडिशन, एडिशन ऑफ मोर देन ठीक है। तो ये क्या है? हमारे पास चार वेक्टर हैं, ए बी सी डी, और दे रखे क्या है? ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से। और हमें क्या निकालना है? ये निकालना है इस पूरे की मैग्नीट्यूड, निकालना इस पूरे का और इस पूरे की डायरेक्शन निकालना। इसको बोलेंगे रिजल्टेंट। किसका रिजल्टेंट? ऐसे ही बोलेंगे लैंग्वेज, देखिए इसको, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। बोलने का तरीका समझ में आया? कैसे बोलेंगे? अब दोबारा देखो कैसे निकालेंगे। देखो दोबारा, पहले हमने दो का एडिशन सीखा ज्योमेट्री से, कौन से लॉ से? ट्राइंगल लॉ से। तो हम दो को ऐड कर लें, इसको निकालना सबसे पहले, और इसको निकालें तो इसको फर्स्ट बोले और इसको क्या बोले? सेकंड। जब इसको निकाल लें तो इसको निकालने के बाद इस पूरे को एक कर लें, एक बोले, एक माने फर्स्ट बोले और इस पर सी को सेकंड बोले और ये निकाल लें पूरा। पूरा का मतलब ये पूरा निकाल सेम आ जाए। और अब इस पूरे को फर्स्ट बोले, आई गया हमारे पास, ये निकल गया, इसको एक बोले, एक माने फर्स्ट बोले और इसमें सेकंड किसको जोड़े? डी को जोड़े। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ये पूरा आ जाएगा। निकालने के लिए दोबारा ज्योमेट्री कैसे जाएंगे? ए वेक्टर फर्स्ट, फर्स्ट ए वेक्टर, अब इसके हेड पर सेकंड की टेल, तो सेकंड की टेल देखो आप बिल्कुल पहले टेल सेकंड की टेल। ये ट्राइंगल लॉ से क्या आ गया? ये इस तरह ट्राइंगल लॉ से किसी को भी ना देखे, इसी को देखे, ये फर्स्ट पूरा, इसका टेल यहां है और हेड कहां है इसका? ये तो हेड पर फर्स्ट के, ये फर्स्ट, फर्स्ट के हेड पर सेकंड का टेल, और सेकंड कौन हुआ यहां पर? सी, तो सी को उठा और ऐसे इस तरह। बात समझ में आ रही? इस तरह तो ये फर्स्ट ऐसे चले यहां से, ये सेकंड यहां तक आए, फिर टाइम तो कौन सा हो गया? ये वाला कौन सा? ये देखो ये ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, तो यहां से यहां जाना बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस, डायरेक्शन भी आ गई तो मैग्नीट्यूड भी आ गया। इसका मैग्नीट्यूड कैसे बोलेंगे? कितने स्केल है? डायरेक्शन कैसे बोलेंगे? ए वेक्टर से सब इतने स्केल पर, वो निकालेंगे नहीं करेंगे, क्या करेंगे? दोबारा बोलो, अब हमने ये लाना पूरा, इस पूरे को फर्स्ट बोलो और इसको सेकंड बोलो, तो ये तो फर्स्ट हो गया, इस पे ध्यान रखो बस, इस पे, और सेकंड कौन है? ये भी प्रतीक बनाओ और ऐसे बनाओ, देखो मैंने सही बनाया, ये डी बनाया यहां से लेकर और यहां, तो ये ट्राइंगल के पास साइड यहां से चले ये फर्स्ट साइड और ये वाला सेकंड, तो ट्राइंगल को कंप्लीट करो, ये ट्राइंगल हुआ, देखो ये कंप्लीट कर रहा हूं। तो इसका नाम क्या आ गया? इस वाले का नाम आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये तो फर्स्ट था और ये सेकंड, तो ये सेकंड वेक्टर, ये इसका नाम आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? जितनी इसकी लेंथ होगी, इसकी डायरेक्शन कितनी है?
देख लेंगे ये वेक्टर से कितनी है, ये एंगल बना के देख के बना लेंगे। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? ठीक, ये तो हो गया ट्राइंगल ला के एंगल से। दूसरा तरीका समझो, ऐसे बोलो जिस चीज को भी आप जिस व्यू से देख सकते हो वो देख सकते हो, व्यू माने जो हमारा नजरिया काम का, जो देखने का नजरिया। हम इस नजरिए से देखें, इसको फर्स्ट बोले, इसको सेकंड बोले, इसको थर्ड बोले, इसको फोर्थ वेक्टर बोले, अब क्या कह सकते हैं? दोबारा इसके हिसाब से फर्स्ट 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 के हेड पर सेकंड, सेकंड की टेन, सेकंड के हेड पर थर्ड की, थर्ड की टेन, थर्ड के हेड पर फोर्थ की, फोर्थ की टेन, ने कंप्लीट तो मान लिया। ऐसे भी कह सकते हैं, दोबारा आप यहां पर बना सकते हो। कैसे बनाना देख लो, ए फिर कैसे बनाना देखिए, बी फिर कैसे बनाना आप देखिए, सी फिर कैसे बनाना आपको, डी। ठीक, इस तरीके से ठीक है। तो देखो फर्स्ट के हेड पर सेकंड की टेन, सेकंड के हेड पर थर्ड की टेन, थर्ड के हेड पर फोर्थ की टेन। अब पॉलीगन को कंप्लीट कर दो, पॉलीगन माने जितने तीन साइड से ज्यादा वाले को पॉलीगन बोलते हैं। इसको कंप्लीट कर दो तो कहां से काम है, यहां से यूं आए, ऐसे बोले कि आना मतलब इसी पे चलना, इमेजिनेशन की मैंने समझाया। अब यहां से चले यूं चले इस तरह, इमेजिनेशन यूं चले, फिर यहां से चले ये सही। अब देखो फिर ऐसे चले, फिर ऐसे चले, चलना मतलब इसी पे बैठ के एरो डायरेक्शन में चलना। इस यहां से चले यूं चले तो कहां से काम हो जाए, यहां से चलकर पहुंचे, यहां पहुंचे तो डायरेक्शन यूं आई। किसकी डायरेक्शन आई? ये इसकी है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। ये क्लास में आ रही है, यानी ऐसे बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट ऑफ एस टू लेंस। मेरी बात समझ आ रही है? इस तरीके से यदि हमको आपको नहीं पॉलीगन ना तो हम कैसे लिखेंगे इसको, लिखने के तरीके यही से दोबारा से कंटिन्यू लिखना, कैसे लिखना पॉलीगन कैसे लिखेंगे? पुट सेकंड स्टेप बी वेक्टर स्टेप और फर्स्ट है, कौन सा फर्स्ट के वेक्टर इस केस में, एंड पुट थर्ड स्टेन, थर्ड कौन कौन है, सी वेक्टर स्टेन कहां रखती है, और सेकंड है, सेकंड कौन है, पी वेक्टर है, फिर एंड सो ऑन इस तरह चलो, देन कंप्लीट पॉलीगन, देन पॉलीगन सो लास्ट साइड विल शो द रिजल्टेंट ऑफ दोज वेक्टर्स, उन सब का रिजल्टेंट, यानी क्या आ गया आपके पास, क्या है ज्यादा होंगे तो ज्यादा कर रहे हो, क्लियर हुआ आप लोग यहां पर? ठीक है, अब मैं छोटा सा टॉपिक और लेता हूं, कौन सा टॉपिक लेने जा रहा हूं, दो वेक्टर्स का सबट्रैक्शन कैसे करेंगे। जैसे सबट्रैक्शन पढ़ते थे छोटी क्लासेस में, दस में से तीन गए तो कितने बचे, या तीन में से दस गए यानी तीन में से दस सबट्रैक्ट किए तो कितने बचे, जो भी इसके अलावा का सबट्रैक्शन ऐसे ही वेक्टर्स का, ये पूरा वेक्टर्स का चैप्टर है, तो यहां वेक्टर्स का एडिशन, वेक्टर्स का सबट्रैक्शन, वेक्टर्स का प्रोडक्ट ऐसे करेंगे। अब आगे देखो एक चीज और, सबट्रैक्शन ऑफ टू
वेक्टर, हमें निकालना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, या ऐसे भी निकलना सकता था लोग ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की जगह बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, क्योंकि हमारा पहला टास्क ये निकालते हैं। मानो हम कैसे करेंगे इसको, इस पूरे का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है और इस पूरे की हमें डायरेक्शन निकालनी है, तो क्या करेंगे इसको हम दो वेक्टर्स का एडिशन लिखे एडिशन की तरह लेंगे, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को हम जो लिख रहे हैं वो कैसे लिख रहे हैं, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, और इसको कहें फर्स्ट, अब देखो और इसको कहें सेकंड, किस हिसाब से सेकंड बोला इसको, इस हिसाब से फर्स्ट में जिसको ऐड करना है, यानी फर्स्ट कौन है ए वेक्टर, ए वेक्टर में हमें किसको ऐड करना है माइनस बी वेक्टर, इसे बोलेंगे ऐड करना, तो सेकंड कौन सा हुआ जिसको ऐड करना, ऐड नाम नहीं ऐड कर रहे हैं फर्स्ट वेक्टर में, तो वो सेकंड कौन सा हुआ जो ऐड कर रहा है, वो सेकंड कहलाएगा ऐड पे हुई यहां आगे तो सेकंड कहलाएगा माइनस बी वेक्टर, ना कि मेरी बात समझ आ रही है, अब ऐसे इसे बोलें कि फर्स्ट में सेकंड सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो कौन सा हुआ, तो ये सबट्रैक्शन का हुआ, ये सबट्रैक्शन कंसीडर हो गया तो कहेंगे फर्स्ट वेक्टर कौन हुआ ए वेक्टर, और जिसको सबट्रैक्ट कर रहे हैं इसमें से, सबट्रैक्ट कर रहे हैं इसमें से, तो सेकंड कौन हुआ बी वेक्टर, बोलने के तरीके समझ में आया आई नहीं, यहां पर सबट्रैक्ट नहीं बोलना है, हम कह रहे हैं पहला वेक्टर यानी ए वेक्टर इसमें जिससे हम ऐड करने जा रहे हैं वो दूसरा वेक्टर कौन है माइनस वेक्टर, इसका मतलब फर्स्ट वेक्टर कौन है ए वेक्टर और सेकंड वेक्टर कौन है माइनस बी वेक्टर, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, नहीं आ रही है क्लियर, अब दोबारा देखो ज्योमेट्री में जाओ और आपको गिवन कर दिया, गिवन मैंने दे दिया कैसे, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ठीक है, अब आपको निकालना है ज्योमेट्री में, आप क्या निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं, तो इसके हिसाब से फर्स्ट के हेड पर फर्स्ट माने ए वेक्टर के हेड पर सेकंड की क्या रखनी है आपको, ट्रायंगल लगाने जा रहे हैं, क्या लगाने जा रहे हैं ट्रायंगल, तो सेकंड की क्या रखनी, सेकंड कौन माइनस बी वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, तो माइनस बी वेक्टर की टेल रखनी, तो पहले माइनस बी वेक्टर लाओ या बी की नहीं लाओ माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर तो नहीं, तो माइनस बी वेक्टर कैसे आएगा, बी वेक्टर और माइनस बी वेक्टर में क्या रिलेशन है देखो, दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होंगे सेम होंगे, तो माइनस का मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे उसी तरीके से, माइनस टू ए वेक्टर, तो माइनस बी वेक्टर का मतलब माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के दुगना है, तो यहां बोलेंगे माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का एक गुना है, एक पद वो सेम है, तो ये दोनों मैग्नीट्यूड भाई सेम होगी, यानी एरो की लेंथ सेम होगी, एरो की लेंथ मतलब डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे बोलेंगे माइनस बी वेक्टर की डायरेक्शन बी वेक्टर की डायरेक्शन यहां हम ये रखेंगे ऑपोजिट होगी, यानी ये बी वेक्टर है इसी लाइन को बनानी हमें पैरेलल लाइन, लाइन तो पैरेलल ही होगी, ठीक, अब एरो की बात है, एरो होते हैं पैरेलल और एंटीपैरेलल, तो ये लाइन जाते हैं आपके लिए आगे हमारे पास क्या चीज आ गई हमारे पास, ये वेक्टर माइनस, अब हमारे पास इस लॉ से हम ऐड कर रहे हैं, इस लॉ से हम क्या करने जा रहे हैं ऐड करने वाला ही है ये, तो ये हो गया पास हमारा और ये हुआ हमारा सेकंड, मेरी बात में आ रही है आपको नहीं आ रही, दोबारा उठकर उनको उठा के लाओ, तो यही लंबाई है, यही लंबाई है, तो यहां पर नाप तो कर ये फर्स्ट, ये कौन सा है फर्स्ट, और फर्स्ट के ऐड पर सेकंड की क्या रही है, सेकंड ना की जिसको ऐड करने जा रहे हैं वो सेकंड ऐड की कहानी कर रहे हैं, तो ये इसको उठा के लाए, तो ये उठा के लाए तो मैं कैसे बता दे, गलत है, तो बता दो फर्स्ट के हेड पर सेकंड की ऐसा ये दूरी बना दूरी जो भी समझ सके कि अलग चीज है, तो यहां पर देख लें तो यहां पर ऐड ये इसको ज्वाइन करा दें, ज्वाइन करा दें तो ये इस तरह, ठीक है, तो ये कौन आ गया यहां पर ए वेक्टर प्लस माइनस, यानी क्या आ गया ए वेक्टर माइनस, क्लियर हुआ आपको इतना समझ में आया, अब कोई कह दे कि थीटा क्या है एंगल, वो कह दे कोई किस किस के बीच में ए वेक्टर एंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, कैसे देखेंगे एंगल दोबारा देखो, ये ए वेक्टर टेस टुगेदर रखेंगे, टेस क्या रखेंगे टुगेदर, ये बी वेक्टर और कौन सा एंगल लेंगे स्मॉल वाला, ये तो है इन दोनों के बीच में एंगल, अब कोई पूछे आपसे एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर कितना होगा, दोबारा माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, ए वेक्टर और माइनस बी को साथ रखेंगे माइनस बी वेक्टर को कैसे साथ रखेंगे टेन टुगेदर, तो एक हिसाब से वो यही चाहे यहां भी कर दो फिर वहां भी कर देंगे कैसे, दोबारा ये माइनस बी वेक्टर ये वेक्टर ये वाला
जल्दी बताओ 180। इसका मतलब ये चीज कितनी आ गई यहां से 180 माइनस थीटा। इसका मतलब आप इसको ला सकते हो, इसको ला सकते हो। अब दोबारा देखिए वही ऐड के फॉर्मूला याद करें, तो ऐड के फॉर्मूला तो ऐसा होगा ऐड, और ऐड में देखें तो ये ऐसा होगा, तो फर्स्ट कौन है ये, सेकंड कौन है ये। अब देखो ये लाइन कितनी होगी ए, ये लाइन कितनी होगी बी, तो ये लाइन पे कितनी होगी बी, माइनस की थोड़ी होगी, नेगेटिव थोड़ी होगी, नेगेटिव। तो इसको बता रहा है इस पूरे की डायरेक्शन, इस पूरे की डायरेक्शन के ऑपोजिट है। इसको कैसे लिखेंगे, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए, सेकंड का मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर का, सेकंड बी नहीं है बी वेक्टर नहीं है माइनस बी वेक्टर, तो माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या है बी। देखो माइनस बी वेक्टर की लाइन कितनी है बी, ये माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है, तो बी प्लस 2 इनटू फर्स्ट का मैग्नीट्यूड ए, ए वेक्टर का माइनस बी वेक्टर सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी, और cos बिटवीन देम फर्स्ट वेक्टर और सेकंड के बीच में, कौन से एंड वाली केस, ये ऐड का फार्मूला लगाया आपने, ऐड के फार्मूले में ये सेकंड कौन सा हुआ माइनस बी वेक्टर, ये फर्स्ट कौन सा हुआ ए वेक्टर, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर में एंगल कितना है 180 माइनस थीटा। जबकि थीटा किसके बीच में एंगल, वो भी डिफाइन करना जरूरी है, तो थीटा कंसीडर किया हमने किस किसके बीच में एंगल, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में एंगल। इसका मतलब ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल हो गया अगर अल्टीमेटली 180 माइनस थीटा, जो गिवन है उसका 180 में सर सब। तो यहां पे आ गया, तो फाइनल फार्मूला क्या आ गया इसका, मैं यहां लिख सकता हूं मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब समझ में आ गया, तो डायरेक्ट इसी को लिख दो, ये पूरी कहानी इतना सारी कहानी ये एक ये, तो ये बराबर कितना आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, थीटा किसके बीच में, दोबारा मैं याद दिला रहा हूं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में 180 माइनस थीटा किसके बीच में आया ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर के बीच में। ये माइनस कैसे आ गया, यहां पर मैं लिख देता हूं, कैसे लिखता हूं कि ये जो होता है मैं यहां पर लिखता हूं ये 180 माइनस थीटा जो होगा ये किसके बराबर होगा cos थीटा के बराबर, ये हमें याद रखना, ये भी फार्मूला याद रखना, डब्बे में मतलब बॉक्स का मतलब याद रखना, ठीक है, ये काफी है, ठीक है। आगे नेक्स्ट टॉपिक लूंगा मैं, एक वेक्टर को तीन कंपोनेंट में रिजॉल्व करना, अगर वो हवा में, हवा में मतलब 3D में, तो 3D में क्या मतलब तीन एक्सिस क्या बोलूं उसको तोड़ना, क्लियर हो रहा है, ठीक है, एक्स वाई जेड एक्सिस क्या